डाक्टर सत्यव्रत साहू एमडीडीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट मुझे आपण मनोक्लोनल एंटीबॉडी उपरे मनोक्लोनल एंटीबॉडी साधारण यह मैजिक बुलेट कह जाए कारण यहाँ मैजिक भाई कम करता है यार एक यूनिक स्पेसिफिसिटी अच्छी जॉर्ज कोहलर सीजर मिलस्टेन नील्स कार्जन यही साइंटिस्ट मैंने 1984 मसीह फास्ट मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी डिस्कवर करी नोबेल प्राइज पाई फिजियोलॉजी और मेडिसिन में तो प्रथम लाइसेंस्ड मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी जोटा बाहर से ऑर्थोक्लोन ओकेटी3 नीरोमोनास सीडी3 जोटा कि 1986 मसीह किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने डिस्कवर होता प्रथम फुली ह्यूमन मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी थिला बाहर से आडालिमुमाब 2003 मसीह साधारण मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज कराई था जोटा कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर डिफिकल्ट प्रोसीजर बहुत टाइम लगे थे बहुत कॉस्ट लगे थे तापर आम आसवा टाइप्स ऑफ मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी साधारण बहुत प्रकार मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी थाए जमी नेकेड मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी जोटा कि कौन सी ड्रग कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मटेरियल सहित अटैच हो न था एग्जांपल हूँ ट्रांसट्यूजुमाब यूज करा जाए एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जोटा कि हॉट टू ऊपर काम करे सेटुक्सिमाब जोटा बी सेल नॉन हॉडजकिन लिम्फोमा यूज करा जाए CD20 ऊपर काम करे बेवासिजुमाब जोटा कि मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर में यूज करा जाए जोटा कि VEGF ऊपर काम करे एलेम्टुजुमाब जोटा कि बी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यूज करा जाए CD52 ऊपर काम करे सेपरी अन्य प्रकार होची कंजुगेटेड लोडेड लैबेंड मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी जोटा कि ड्रग टॉक्सिन रेडियोएक्टिव एटम्स एम सहित जॉइंट होती थाए जमीक ब्रेडुक्सिमा फेडोटिन जोटा हॉटकिन लिम्फोमा रे काम करे आटो ट्रांसट्यूजुमा वेंटानसिन जोटा कि एडवांस ब्रेस्ट सेल कैंसर रे यूज करा जाए सेपरी आना गोटे टाइप रोचे इम्यून टॉक्सिन्स जोटा कि कंजुगेटेड होता है टॉक्सिन सहित एग्जांपल होची डेनिक्यूटिन डिप्टीटॉक्स जोटा क्यूटानियस टी सेल लिम्फोमा रे यूज करा जाए आउ गोटे प्रकार होची रेडियोइम्यून मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी जोटा कि कंजुगेटेड होता है रेडियो आइसोटोप सहित एग्जांपल होची इब्रीटुमोमाब जोटा कि लिम्फोमा रे यूज करा जाए यही सब मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है जमीक साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम माइल्ड एलर्जी रिएक्शन हो पारे इन्फ्यूजन रिएक्शन हो पारे एलर्जी रिएक्शन इम्यूनोसप्रेशन हो पारे चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ी चांस थाए टीबी जो मान थाए से रिएक्टिवेशन आउ थे पारे जो मान टीबी कंट्रोल में थाए से टीबी रिएक्टिवेशन होता पारे टीबी ट्यूबरकुलोसिस रिएक्टिवेशन होता पारे यही मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज कौन आम जाना यूज बहुत प्रकार डीज यूज करें जमी ऑटोइम्यून डीज मैलिग्नेंसी आजमा ऑस्टियोपोरोसिस एंटीप्लेटलेट थेरेपी यूज करा जाए आजमा मेपोलिजुमा यूज करा जाए जोटा ब्यूटानलिपिन पाइप उपर काम करे ऑस्टियोपोरोसिस रोमोसोजुमा यूज करा जाए डोनेस वेनोसुमा यूज करा जाए जोटा कि लैंगलाइट इनहिबिटर एंटीप्लेटलेट थेरेपी जमी एब्सिक्सिमा यूज करा जाए GP2B3A इनहिबिटर सेपरी यही मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत यूज थाए इंडिकेशन थाए मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी आम मैंने साधारण फ्यूचर में बहुत आसवाक जाऊँ इंडिया को मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करने आमको बहुत ध्यान दे केयरफुली यूज करने पड़ो एवं गाइडलाइन हिसाब से यूज करने पड़ता है थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जय जगन्नाथ।